मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह आज कोरोना वायरस मुखालिफ टीकाकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस टीकाकारी की शुरुआत मुल्की सतह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की, जबकि गांदरबल में इस मुहिम का आगाज जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए कहा, आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा कोविड वैक्सीन है पूरे देश में आज से इसकी शुरुआत हो गई, उसके साथ साथ आज हमारे गांदरबल में भी इसकी शुरुआत हुई। और गांदरबल में जहाँ तक इसका सवाल है, हमने दो सेंटर्स यहाँ पे रखे हैं, एक जो आप जहाँ पर आप खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल और दूसरा जो हमारा था ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन, तो दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली आज जो ऑनरेबल पीएम साहब ने इनॉग्रेशन की, उसके साथ साथ हमारे भी यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ 1685 के करीब जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको फर्स्ट फेज में ये वैक्सीनेशन होगी। उसके बाद जो प्रायोरिटाइज करके फिर दूसरी कैटेगरीज के हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स होंगे, दूसरे जो इस हवाले से जब लाजवाल के नुमाइंदे ने तहसीलदार तुलामुला फारूक अहमद दार से बात की तो उन्होंने लोगों के खदशात दूर करते हुए कहा, इसके लिए जो है हमारे जो अरेंजमेंट से सारे इन प्लेस थे, हमने आज दो जगहों पे किया और मंडे से जो होगा 19 जगहों पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कोविड वैक्सीनेशन का काम चालू रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि 6-7 दिन के अंदर अंदर जो हमारा टारगेट है 1700 के करीब का, इनको हम सारों को वैक्सीनेशन कम्प्लीट कर पाएंगे। वाज़ह रहे 10 महीने के इंतजार के बाद एंटी कोरोना वायरस इंजेक्शन तैयार होके लोगों के इस्तेमाल में लाने का अमल शुरू हुआ है। लाजवाल के लिए गांदरबल से फिरोज खान के साथ मुख्तार शाह।